अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों आज ये इसका खोला है हमने डिफेंस रख फ्रंट वाला ब्रेक बनाने के लिए। तो ये 938G मॉडल है। तो इसका ये हमने सील वगैरह डाली है वाली, ठीक है जी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक भाई ने मैसेज किया था कि ब्रेक बनाई है, यानी कि खाली जो है वो सीलें डाली हैं, तो उसके बाद जो है ब्रेक में जब लगाते हैं तो उसमें साउंड आता है। तो जो साउंड आने की वजह है जी वो ये है कि ये आप डिस्क देखें, ये हार्ड हो जाती हैं। तो देखने में तो ये बिल्कुल ठीक लगती हैं, लेकिन ये हार्ड हो जाती हैं और हल्की मतलब कि बेंड भी हो जाती हैं कई दफ़ा, लेकिन बेंड नज़र नहीं आती हैं। लेकिन हार्ड भी हो जाएं तो ये आप चेंज नहीं करेंगे तो ये जो है ब्रेक आपकी साउंड करती है, ठीक है जी। तो फिर उस दोस्त ने दोबारा खोलना पड़ा उसको, और उसने दोबारा उसको जब मैंने बताया तो ये चेंज करने के लिए, तो अभी कहते हैं कि ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि ये जब भी अगर आप खोलते हैं तो अगर ये मतलब कि हार्ड हो जाती हैं गर्म होने की वजह से, इनको लाजमी चेंज किया करें। तो बाकी इसके से काफ़ी तकरीबन ये डैमेज हो गया ये सामान पूरा, तो ये सील वगैरह की एक्सल की जो सील हैं वो भी लीक हो गई थी, तो पूरी हमने ये डाल दी है, चेंज कर दिए हैं। तो बाकी इसका जो खोलने का तरीकाकार है जी, क्रेन नहीं थी हमारे पास, तो इसको हमने ये जो है फ्रंट टायर व्हील खोल के तो इसको पूरा हमने डाउन कर लिया। तो डाउन करने के बाद इसको हमने ये जो इसके बोल्ट हैं 8 ये खोले, और फिर मतलब कि इसको जैकअप किया, तो स्पोर्ट नीचे लगा दी और फॉरक्लिफ्ट से इसको नीचे मतलब कि निकाल लिया। तो बकाया दोस्तों इसका पहले मैंने वीडियो में बताया है, इसकी जो सील और पिस्टन डालने का तरीकाकार आप देख सकते हैं जो भी है वो जिस तरीके से मैंने डाला था। तो बाकी इसके जो पार्ट नंबर हैं तो वो मैं इसका आपको पार्ट नंबर दे देता हूँ। इसका ये पार्ट नंबर है 9W-6671। तो ये इसका सील का नंबर है। और हाँ दोस्तों, अगर ये जब आप एक्सल खोलते हैं, इसकी प्लेंट्री निकालते हैं लाग निकाल के, तो इसका जो एक्सल है, जो एक्सल वाला ऊपर वाला बैरिंग है, वो मतलब कि थोड़ा टाइट होता है। तो ये जब इसको आप दूसरी पोजीशन में जब इसका निकालेंगे प्लेंट्री, तो इसको प्लेंट्री निकाल के और इसका जो चिकनट है वो खोलेंगे, तो वो खोलने के लिए ये हमारे पास ये हमने बनाया हुआ है जो उसका स्पानर है चिकनट खोलने के लिए। तो इसके खोल के तो आपने इसको मतलब कि धक्का देना है, इसको धक्का देंगे तो इसका जो बैरिंग है तो वो मतलब कि आसानी से निकल जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है सेफ्टी को, ताकि आगे कोई उससे बंदा ना खड़ा हो। उससे ये है कि कई दफ़ा बैरिंग जो है बहुत स्पीड से जाता है और एक्सीडेंट होने का खतरा है, ताकि किसी को लगे ना, इस चीज़ का मतलब कि ख्याल रखना है दोस्तों। बाकी तो मतलब कि पहले मैंने इसका पिस्टन वगैरह और सीले डालने का तरीक़ाकार मैंने बताया। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैंने एक दोस्त ने फ़ोन किया कि यानी कि साउंड आ रहा है, तो साउंड की वजह वही थी उसकी कि डिस्कें मतलब कि पता नहीं चलता, देखने में ठीक होती हैं लेकिन वो हार्ड हो जाती हैं। तो डिस्कों को लाजमी जब भी खोलें चेंज करें। तो बाकी जो हैं इसकी जी मैं पार्ट नंबर आपको बता देता हूँ जी, दोबारा से सील का मैंने आपको बता दिया है। ये जी इसका सील का नंबर है, ये देख लें 228-0417 जी इसका नंबर है। तो इसके अंदर आपको ये दोनों सील्स मिलेंगी, ये वाइट वाली और ये एक दूसरी, ठीक है जी। तो ये जी दो पीस, और ये जी डिस्क का नंबर है इसका, ये वाला, ये इसका डिस्क का नंबर है, ठीक है जी। ये जी डिस्क है इसकी, ये नई है। तो
ये मतलब है कि ठीक है, ये मतलब है कि आप देखेंगे तो ये अच्छी मतलब है कि कंडीशन पता चल जाती है, लेकिन पुरानी भी होती है जो वो हार्ड हो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता कि वो सेम सेम नई लगती है। और जी ये वो प्लेट का नंबर है जो स्प्रिंग के आगे आती है, ये उसका नंबर है जी, ये 9C-6329 इसका नंबर है। और ये जी पिस्टन का नंबर है जी, 4E-2168 इसका नंबर है जी पिस्टन का। तो ये जी दोस्तों तकरीबन ये मैंने पार्ट नंबर इसके आपको बताए हैं जो इसमें आता है, यानी कि सील वगैरह के। तो बकाया मतलब है कि ये एक्सल भी खोलने का तरीका कार मैंने आपको बता दिया है कई दफ़ा, वो जो बैरिंग टाइट होता है तो उसको जो निकालने का तरीका है, तो कई दफ़ा निकल आता है बैरिंग लूज़ हो या टूटा हुआ हो। तो बकाया इसमें कोई और इतनी खास बात बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी ये जो क्रेन ना हो तो जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि टायर खोल के इसको डाउन कर लेना है, तो फिर इसको चेकअप कर लेना है बोल्ट खोल के और निकाल लेना है फोर्कलिफ्ट से या किसी चैन ब्लॉक की मदद से। तो ये हर मतलब मैकेनिक का एक अपना आइडिया होता है, जो मेरा आइडियाज़ है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट काम के साथ ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।